नमस्कार ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. 3 ತಾರೀಖು ಶನಿವಾರ ದಿನ 4 ಬಜೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕು ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ತಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿ 3 ತಾರೀಖು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆ ರಹೀ 4 ಬಜೆ शिवाजी सर्कल से हमें बहुत बड़ी रैली करकु सिद्धेश्वर गुड़ी तक रैली होती. तमाम बीजापुर जिले के बीजापुर वाले बीजापुर तालुक वाले सब भी मिला को 4 बजे आना. एमबी पाटिल साहब मिनिस्टर हो को पहली बार आ रहे हैं उनके स्वागत के वास्तव और ये रैली को पूरा खूबसूरत बनाने का है. सब भी मिला को सबको विनंती करते हो सब भी मिला को 4 बजे शिवाजी सर्कल को 3 तारीख के दिन आओ. जिले से दो मिनिस्टर हैं, दोनों मिनिस्टर के दोनों मिनिस्टर को भी हमें एहसास करते हैं. ये कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर हैं, दोनों भी हमारे पार्टी के हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे पार्टी के मिनिस्टर हैं. हमें दोनों को भी वैसा स्वागत करते. दोनों की रैली एक साथ निकलेगी या अलग अलग? अलग अलग निकलेंगी. इन्हों पहला एमबी पाटिल साहब आ रहे हैं, उन्होंने कब बोलते हैं शिवानंद पाटिल साहब, उनको भी हमें रैली स्वागत कर को उनको भी बहुत अच्छी बड़ी रैली करते हैं उनकी. बीजापुर शहर में जो आने वाले 3 तारीख को दिन एमबी पाटिल साहब जो दूसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, तो पहली मर्तबा बीजापुर को मंत्री बनने के बाद आ रहे हैं, तो उनका स्वागत के लिए शिवाजी सर्कल से सिद्धेश्वर गुड़ी तक एक भव्य मेरवानगी होगी, एक रैली होगी. उसमें सभी जिला के और बीजापुर सिटी के सभी माँ बहनों को, सभी कौम के लोगों को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि 4 बजे शिवाजी सर्कल को आएँ और वो रैली की कामयाब बनाएं. दो मिनिस्टर हैं, दोनों मिनिस्टर की रैली निकाली जाएगी या एक ही? नहीं, कल जो है 3 तारीख के दिन एमबी पाटिल साहब आ रहे हैं, तो एमबी पाटिल साहब की रैली बना रहे हैं कि शिवानंद पाटिल साहब जिस वक्त टाइम देंगे तो उनकी भी रैली बनाई जाएगी. क्योंकि हमारे जिले को दो मिनिस्टर मिले हैं, ये बड़ी खुशी की बात है. दोनों कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, दोनों दिग्गज नेता हैं, तो उनका भी पार्टी के जानिब से स्वागत होगा और उनकी भी रैली होगी. अगर वो कल आ रहे हैं तो कल दो साहब होता था, मगर वो कल नहीं आ रहे, इस वजह से एमबी पाटिल साहब की रैली हो रही है. वो जब टाइम देंगे उनकी भी रैली बीजापुर से करा जाएगी. इस रैली में कितने लोगों के जुड़ने की संभावना है? इस रैली में बहुत से लोग होंगे, कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग जमा होने की संभव है. और वहाँ पे वो रैली होगी और बड़े खूबसूरत अंदाज से बीजापुर के लोगों ने उनका स्वागत करेंगे. और बीजापुर के सभी महानगर पालिका के कॉरपोरेटर जो हैं, सब अपने अपने लोगों को लगा के इस कॉरपोरेटर के जानिब से उनका सब बड़े पैमाने पर स्वागत किया जाएगा. ये सिर्फ रैली होगी या इसके बाद कोई सभा वगैरह होगी? नहीं, ये सिर्फ रैली होगी. सिद्धेश्वर गुड़ी पास जाने के बाद वहाँ पे ठहर के दो बात करके फिर जाएंगे. फिर कभी एमबी पाल साहब और शोहन पाल साहब दोनों मिलने के बाद एक सभा होगी, जब उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे. मेरा नाम अब्दुल रजाक वर्ती है, महानगर पालिका सदस्य बीजापुर. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं बीजापुर शहर का सिटी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट जमीर अहमद बख्शी की तरफ से तमाम बीजापुर के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि 3 तारीख के दिन हमारे जो नए मिनिस्टर हैं डॉक्टर एमबी पाटिल साहब बीजापुर को पहली बार आ रहे हैं. मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं. मैं समझता हूं कि हम बीजापुर शहर में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से सब मिलकर हम बीजापुर को, हमारे एमबी पाटिल साहब को वेलकम करेंगे और बड़ी रैली करने जा रहे हैं. हमारी रैली शिवाजी सर्कल से लेकर सिद्धेश्वर गुड़ी तक होने वाली है. और मैं समझता हूँ सब कॉरपोरेटर हो और या जो कांग्रेस के पदाधिकारी हो, जो अध्यक्ष हो, सभी लोगों को मैं इल्तिजा और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाकर हमारे शोभा बढ़ाए कांग्रेस पार्टी के, हमारे एमबी पाटिल साहब की. इसलिए मैं समझता हूँ आप सब लोग आकर इस रैली की शोभा बढ़ाएं बीजापुर शहर में. मैं जमीर अहमद बख्शी बीजापुर सिटी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से मैं इल्तिजा करता हूँ. जय हिंद, जय कर्नाटक. डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका. स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है.
अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959599 और 8050828793। कर्नाटक सरकार द संपूर्ण दर्जे सचिवरु हागू नम भागद नायकरु आधुनिक भगीरथ डॉक्टर एम बी पाटील साहेबरु प्रमाण वचन स्वीकरिसिद नंतर मोट्ट मोदल बारिगे ಬರುವ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡಗಳು ಇಂದು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಯಾರು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಥರ ನಾ ಆ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶೋಭೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಯಾಸ್ ಕಲಾದಿ. ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎರಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಪುರ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಟೇಲ್ ಬಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಶೋಭೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.